हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी एएम वेव पे। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे पावर इन एएम सिग्नल, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सिग्नल रहता है उसका कितना पावर होता है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा जो बेसिक स्टैंडर्ड एएम का इक्वेशन है वो होता है एसी 1 प्लस के एएम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। ठीक है, यहाँ पे एम टी जो है वो सिंगल टोन भी हो सकता है, मल्टी टोन भी हो सकता है। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो जनरलाइज स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है एएम का। अब अगर हम इस इक्वेशन को कंसिडर करें और इसका ब्रैकेट हटा दें, तो ब्रैकेट हटाने पे हम लोगों को दो टर्म मिलेगा। एक मिलेगा ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, दूसरा मिलेगा ए सी के एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। ठीक है, तो अब ये क्या है? ये हमारा कैरियर सिग्नल है। हम लोगों को इसे देख के ही पता चल रहा है ये सी टी है जो हम लोगों ने एज्यूम किया था पहले। और इसमें क्या है, ये ए सी के ए तो कांस्टेंट है, ये बेसिकली क्या है, एम टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी। मतलब हम मैसेज सिग्नल और जो कैरियर सिग्नल था उसका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ए एम में ये जो होता है ये टर्म है कैरियर सिग्नल का, और ये वाले टर्म के कारण साइड बैंड आता है हमारा। साइड बैंड कैसे आता है, साइड बैंड क्या होता है, एफ एम प्लस एफ सी और एफ एम माइनस एफ सी। ठीक है, यही होता है। अब वो वाला फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कब आएगा, इसमें सिर्फ एफ सी है फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, यहाँ पे क्या है एफ सी है और यहाँ एम टी है। तो अगर हम लोग एम टी और एफ सी मान लेते हैं, एम टी हमारा सिंगल टोन है, तो टू पाई एफ एम टी आएगा। तो कॉस ए कॉस बी करेंगे, उसके फॉर्मूला पर जाएंगे, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी आएगा। तो उससे हम लोगों को ये जो साइड बैंड कंपोनेंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको कैरियर, ये हमारा कैरियर सिग्नल है और ये जो है साइड बैंड सिग्नल है। तो इसका मतलब पावर दोनों के कारण आता है। ये जो एएम सिग्नल है वो अगर एडिशन ऑफ ये दो सिग्नल है, ठीक है, एडिशन ऑफ दीज टू सिग्नल, कैरियर सिग्नल और साइड बैंड सिग्नल, तो पावर भी जो होगा एएम का वो इस सिग्नल के कारण भी होगा और इसके कारण भी। ठीक है, तो जो पावर हम लोग का कैरियर सिग्नल के कारण आता है उसको कहेंगे कैरियर पावर, जो पावर इस साइड बैंड सिग्नल के कारण आएगा उसको कहेंगे साइड बैंड पावर। अब एक चीज जो है हम लोगों का, हम लोग अगर मानते हैं कि ये जो एएम का जो टोटल पावर है एएम सिग्नल का वो पीटी है, तो पीटी क्या हो जाएगा, पीटी इक्वल्स टू ये कैरियर पावर। तो कैरियर पावर को हम लोग लिख सकते हैं पीसी और साइड बैंड पावर को पीएसबी। तो टोटल पावर इन एएम विल बी इक्वल टू पीसी प्लस पीएसबी, मतलब पावर ऑफ कैरियर प्लस पावर ऑफ साइड बैंड। ठीक है, तो इसके पहले कि हम लोग पावर में डिटेल में जाएं, हम लोग को एक चीज जानना होगा कि कोई भी कॉस या साइन सिग्नल है, एसी कॉस 2 पाई एफ सी टी या फिर एएम कॉस 2 पाई एफ एम टी या फिर कुछ भी ऐसा साइनोसोइडल सिग्नल है, तो उसका पावर क्या होता है। तो अगर ये जो पावर का जनरलाइज एक्सप्रेशन है ये हम लोग देखते हैं, ये पावर का एक्सप्रेशन है, पावर इसी तरह निकलता है। अगर कोई भी हमारे पास जी टी सिग्नल है और उसका पावर हम लोगों को चाहिए तो इस तरह से निकलेगा, जहाँ की ये जी टी जो है वो पीरियोडिक होना चाहिए और उसका पीरियड टी होना चाहिए। तो अगर इस पे हम लोग अगर बैठाएं, मान लेते हैं हमारा जी टी जो है वो हमारा कैरियर सिग्नल है, तो जी टी की जगह ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी लिखेंगे। और तब अगर हम लोग पावर इसका निकालें, मतलब ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी का पावर कितना होगा ये जानने के लिए पावर का फॉर्मूला ये है, तो जी टी की जगह हम लोग अपना सी टी डालेंगे। सी टी डालने के बाद क्या होगा, सेम जो ये फॉर्मूला, अब यहाँ पे 1 बाई टू टी माइनस टी से टी है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में हम लोग देखें कि जब ऐसा हो सिग्नल पीरियोडिक हो तो क्या करेंगे, माइनस टी टू टी जो होता है वो जीरो से टी हो जाता है और यहाँ पे टू टी की जगह टी हो जाता है। ये तो सब जानते होंगे, इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन सब पढ़ रखे हैं। इतना करने के बाद अब इसका स्क्वायर जो है वो हटाएंगे। स्क्वायर हटाने के बाद ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टू पाई एफ सी टी। और हम लोग मैथ्स के फॉर्मूला के हिसाब से जानते हैं कि कॉस टू थीटा, ठीक है, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू। ठीक है, तो उसी फॉर्मूला पे इसको पुट किए कि एसी तो कांस्टेंट है, तो एसी स्क्वायर बाहर निकालिए। अब कॉस ये थीटा मान लेते हैं, तो स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। तो कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग का मैथ्स में फॉर्मूला है कि टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन प्लस कॉस टू थीटा। उसी तरह टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन माइनस कॉस टू थीटा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो वन प्लस कॉस टू थीटा, तो वन प्लस कॉस थीटा ये था, तो टू थीटा क्या होगा, इसमें टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब फोर पाई सी टी। ठीक है, अब बस सिंपल जो इंटीग्रेशन करते हैं वो इंटीग्रेशन करके जब इसमें ये लिमिट पुट करेंगे तो हम लोग को आंसर क्या आएगा, ए सी स्क्वायर बाय टू। मतलब अगर कोई भी साइनोसोइडल सिग्नल है उसका पावर क्या होगा, ये जो पीक एम्पलीट्यूड रहता है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई भी सिग्नल है इस फॉर्म का, तो ए सी जो है वो शो करता है उसका पीक एम्पलीट्यूड, लेकिन पावर जो निकालते हैं हम लोग वो निकालते हैं आर एम एस वैल्यू के टर्म में, मतलब रूट मीन स्क्वायर के टर्म में। तो आर एम एस वैल्यू किसी भी चीज़ का क्या होगा, जो पीक वैल्यू है वो डिवाइडेड बाय रूट टू। मतलब अगर इस सिग्नल का आर एम एस वोल्टेज कोई निकालने बोले तो वो होगा ए सी बाय रूट टू।
ठीक है, तो पावर क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर। तो अभी यहाँ पे हमारा आरएमएस वोल्टेज क्या है, एसी बाय रूट टू, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो एसी बाय रूट टू का होल स्क्वायर वो आ जाएगा एसी स्क्वायर बाय टू, और आर की जगह हम लोग 1 ओम ले लेते हैं। तो या तो आरएमएस के हिसाब से देखना है या फिर डायरेक्ट यही देखना है कि अगर कोई भी ऐसा सिग्नल है, कॉस या साइन सिग्नल है, तो उसका पावर क्या हो जाएगा, जो भी इसका यहाँ पे एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। तो इसी बेसिस पे ये है पावर ऑफ एनी साइन और कोसाइन सिग्नल, तो मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ कॉस एंड साइन सिग्नल जो कि यहाँ पे है। ठीक है, तो इसी पे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल है ये ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बाय टू। तो अब आते हैं हम लोग वापस से अपने ए एम के इक्वेशन पे। हमारा ए एम इक्वेशन क्या था, ये कैरियर सिग्नल था और यहाँ पे ये साइड बैंड था। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमारे पास दो पावर होगा, यहाँ पे कैरियर पावर होगा, यहाँ पे साइड बैंड पावर होगा। कैरियर पावर अब क्या हो जाएगा, यह है कॉस टू पाई एफ सी टी और ए सी लगा हुआ है, तो कॉस के साथ जो है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, यहाँ पे कॉस के साथ क्या है ए सी है, इसलिए इस टर्म का पावर हो जाएगा ए सी स्क्वायर बाई टू। सिमिलर वे में यहाँ पे क्या है, कॉस टू पाई एफ सी टी के साथ क्या है, यहाँ पे ये है ए सी के ए एम टी, तो इस पूरे साइड बैंड सिग्नल का पावर क्या हो जाएगा, ए सी के ए एम टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, जहाँ पे एम टी मल्टी टोन भी है, ठीक है, या सिंगल टोन भी है। यहाँ पे अभी जनरलाइज्ड हम लोग ये नहीं कहें कि एम टी सिंगल टोन है या मल्टी टोन है, लेकिन ये जनरलाइज्ड मैसेज है जो कि मल्टी टोन भी हो सकता है और सिंगल टोन भी हो सकता है। तो हम लोगों को यहाँ से पता चल गया कि कैरियर पावर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बाय टू, साइड बैंड पावर हो जाएगा ए सी स्क्वायर के ए स्क्वायर एम स्क्वायर टी बाय टू। ये जो बार होता है ये मीन एक तरह से होता है, ये स्टैटिस्टिकल अप्रोच जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें देखेंगे, तो ये एक तरह से सिग्नल का मीन बताता है। ठीक है, तो हमारा जो जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है कि पावर में पावर जो है ए एम सिग्नल में कितना होगा वो ये होता है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, तो अगर हम लोग जाएँ कि हमारा एम टी जो है वो सिंगल टोन है, मतलब एम टी की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं ए एम कॉस टू पाई एफ एम टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है वो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पावर फॉर सिंगल टोन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल निकालेंगे। तो अगर हमारा एम टी सिंगल टोन है तो क्या हो जाएगा, एम टी इक्वल टू ए एम कॉस टू पाई एफ एम टी। ठीक है, अब ये क्या डिनोट करता है, एम स्क्वायर टी, ये हमारा पावर डिनोट करता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या था, अगर एम टी यहाँ पे ये है एम स्क्वायर टी, मतलब ये पावर ही डिनोट कर रहा है एम टी का। ठीक है, एम स्क्वायर टी बार मीन्स एम टी का पावर, तो अगर एम टी ये है तो पावर ऑफ मेसेज सिग्नल क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर बाय टू। ठीक है, स्टैटिस्टिक में पावर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी सिग्नल है एम टी, तो उसका पावर क्या हो जाएगा, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ दैट सिग्नल। ठीक है, मीन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज सिग्नल का क्या हो जाएगा पावर, ए एम स्क्वायर बाय टू। तो अब उस हिसाब से पी टी इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर बाय टू प्लस ए सी स्क्वायर के ए स्क्वायर, ये जो टर्म था उसके जगह हम लोग मैसेज का पावर लिख देंगे, एम स्क्वायर टी बार ये पावर होता है, इसके जगह हम लोग ए एम स्क्वायर बाय टू लिख देंगे। एक टू पहले से था इसलिए टू इंटू टू फोर हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा पी टी इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर बाय टू प्लस ए सी स्क्वायर के ए स्क्वायर और ए एम स्क्वायर फोर। ये कहाँ गया, ये कैसे ये हुआ, इससे हुआ कि के ए एम, एम इक्वल्स टू के ए एम, ये हम लोग पढ़ चुके हैं हमारा मॉड्यूलेशन के फर्स्ट लेक्चर में ही, कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स इक्वल्स टू के ए इंटू ए एम, वेयर के इक्वल्स टू वन बाय ए सी। या ऐसे भी देख सकते हैं कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो एम होता है वो होता है ए एम बाय ए सी, और हम लोग जानते हैं के ए जो है वो होता है वन बाय ए सी, तो ए एम बाय ए सी मीन्स ए एम इंटू के ए, तो के ए एम हमारा m हो जाएगा, m मीन्स मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और ये दोनों का स्क्वायर है तो ये m स्क्वायर हो जाएगा, तो ए सी स्क्वायर एम स्क्वायर बाय फोर। ठीक है, तो अभी क्या पता चला, कैरियर पावर ये है, साइड बैंड पावर अभी क्या है ए सी स्क्वायर एम स्क्वायर बाय फोर। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए सी स्क्वायर बाय टू कॉमन ले लेंगे, तो ए सी स्क्वायर बाय टू कॉमन लेते हैं अगर, तो ये हो जाएगा वन प्लस एम स्क्वायर बाय टू। अब ये ए सी स्क्वायर क्या है, ए सी स्क्वायर बाय टू हम लोग जानते हैं कैरियर पावर है। ठीक है, और ब्रैकेट में रह जाएगा वन प्लस एम स्क्वायर बाय टू। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है, एम जो है वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, के ए क्या है एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर है, ए सी जो है वो है कैरियर सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड। तो ये जो मेन जो पावर एक्सप्रेशन होता है सिंगल टोन मॉड्यूलेशन के लिए ये होता है, ये पी टी इक्वल्स टू पी सी वन प्लस एम स्क्वायर बाय टू, मतलब टोटल पावर ऑफ ए एम सिग्नल जो ट्रांसमिटेड पावर होता है वो क्या होता है, कैरियर पावर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर बाय टू। तो अब अगर इसको अलग अलग करें तो क्या हो जाएगा, पी टी इक्वल्स टू पी सी प्लस पी सी एम स्क्वायर बाय टू, मतलब पी सी मतलब कैरियर पावर प्लस पी सी एम स्क्वायर बाय टू मतलब साइड बैंड पावर। तो अगर कोई बोलता है कि ए एम में साइड बैंड पावर कितना है, तो वो होगा पी सी एम स्क्वायर बाय टू। ठीक है, अब अगर देखें हम लोग ट्रांसमिशन एफिशिएंसी के टर्म में, किसी भी चीज़ का एफिशिएंसी
एफिशिएंसी इन एएम क्या होता है, परसेंटेज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं, वो होता है पी साइड बाइन, साइड बाइन पावर बाय पी टी मीन्स टोटल पावर इंटू 100। 100 हुआ क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो बेसिकली जो एफिशिएंसी होता है वो होता है साइड बाइन पावर डिवाइडेड बाय टोटल पावर। वी आर टेकिंग पी एस बी नॉट पी सी बिकॉज द साइड बाइन सिग्नल कंटेन मैसेज सिग्नल नॉट द कैरियर। अब एक चीज़ हम लोग को देखना है कि एफिशिएंसी क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास एक मशीन है जिसको कि जिसका वर्क है 100 पेंसिल बनाना। अब वो मशीन 100 पेंसिल बनाता है लेकिन 100 में से सिर्फ 80 पेंसिल ही होता है जो कि सही तरीके से बना है, तो क्या उस मशीन का एफिशिएंसी 100% है? नहीं है, क्योंकि हम लोगों को चाहिए सही तरीके से बना हुआ पेंसिल। अगर वो 100 में से 80 पेंसिल ही सही तरीके से बना रहा है तो उस मशीन का एफिशिएंसी क्या होगा? जो चीज़ सही है वो ऊपर डालेंगे, मतलब 80 डिवाइडेड बाय टोटल। ऐसा नहीं है कि 20/100 करेंगे, क्योंकि 20 तो खराब है। एफिशिएंसी में हम लोगों को जो चाहिए वो चीज़ न्यूमरेटर में रहता है डिवाइडेड बाय टोटल। तो यहाँ पे एएम में क्या चाहिए, हम लोगों को साइड बैंड पावर ज़्यादा चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल पावर। साइड बैंड पावर ज़्यादा क्यों चाहिए, हम लोग देख चुके हैं कि साइड बैंड में ही मैसेज सिग्नल था एमटी। यहाँ पे इस ये देखिए एएम का था, ये एएम सिग्नल में जब ब्रैकेट हटाते हैं तो ये दो टर्म आता है। ये तो एसी है, एसी कॉस्ट टू पाई एफसीटी कैरियर सिग्नल, इसमें कहीं भी हम लोगों को मैसेज सिग्नल नहीं दिख रहा है। मैसेज सिग्नल हम लोगों को कहाँ दिख रहा है, ये साइड बैंड वाले टर्म में, ये एमटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है मॉड्यूलेशन के बाद ये साइड बैंड में रहता है, कैरियर में नहीं रहता है। तो मतलब कि एएम में ये जो कैरियर पावर है ये तो वेस्टेज है, क्योंकि जो भी हम एएम सिग्नल भेज रहे हैं ट्रांसमीटर से, हम क्यों ट्रांसमिट कर रहे हैं, ताकि हमको मैसेज सिग्नल रिसीवर तक मिले। हम लोग ट्रांसमीटर से मैसेज सिग्नल भेज रहे हैं रिसीवर में, लेकिन मैसेज सिग्नल ऐसे अपने आप नहीं जा पाएगा बिना मॉड्यूलेशन के, तो उसको मॉड्यूलेट कर रहे हैं किसके, कैरियर फ्रीक्वेंसी के मदद से। अब कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है उसका तो कोई काम नहीं है ना रिसीवर में, रिसीवर में हमको काम है मैसेज सिग्नल का, और मैसेज सिग्नल कहाँ है हम लोग का, मॉड्यूलेटेड वेव में मैसेज सिग्नल कहाँ पे है, इसमें तो नहीं है, ये वाले में। इसका मतलब मैसेज सिग्नल हम लोग का साइड बैंड में रहता है, इसलिए साइड बैंड का पावर जितना ज़्यादा होगा उतना हम लोगों का रिसीवर में ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर कैरियर पावर ही ज़्यादा कर ले तो कोई फ़ायदा नहीं। मान लेते हैं हमारे पास कोई सिस्टम है जिसका कि ट्रांसमिटेड पावर 2 वॉट है। अब 2 वॉट में अगर 1.5 वॉट कैरियर ले लेता है और सिर्फ 0.5 वॉट जो है उसका पावर है साइड बैंड का पावर है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो 1.5 वॉट है वो तो वेस्टेज है, क्योंकि कैरियर सिग्नल तो हमारे कोई काम का ही नहीं है रिसीवर में। इसका तो काम था सिर्फ मॉड्यूलेशन के लिए। कैरियर को एक तरह से समझ सकते हैं हम लोग ट्रक जैसे। मान लेते हैं हम लोगों के पास एक बाइक है जिसको कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो वो बाइक अपने आप तो नहीं चला जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा दूर अगर भेजना है तो बाइक उतने दूर नहीं जा सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रक लेंगे, ट्रक पे बाइक डाल देंगे। ट्रक तो बहुत ज़्यादा दूर जा सकता है, सेवरल किलोमीटर्स तक जा सकता है, तो बस यही काम कैरियर फ्रीक्वेंसी करता है कि मैसेज फ्रीक्वेंसी, मैसेज सिग्नल जो रहता है वो लो फ्रीक्वेंसी रहता है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता है, तो उस मैसेज सिग्नल को हम लोग कैरियर सिग्नल पे बैठा देते हैं। कैरियर सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी रहता है और वो ज़्यादा दूर तक जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो बेसिकली जो समरी है यहाँ का ये यही है कि जो हमारा मैसेज सिग्नल या इन्फॉर्मेशन रहता है वो साइड बैंड में रहता है। इसीलिए जो हम एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी में हम लोगों को न्यूमरेटर में क्या था, जो पेंसिल वाले एग्जांपल में जो अच्छा पेंसिल था, एफिशिएंसी मतलब कितना अच्छे से मशीन बिहेव कर सकता है। तो ये एएम में एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, साइड बैंड पावर। क्यों, क्योंकि मैसेज जो सिग्नल है, मैसेज सिग्नल वो साइड बैंड में ही है, इसलिए साइड बैंड पावर डिवाइडेड बाय टोटल पावर। टोटल पावर में क्या है, कैरियर पावर भी है और साइड बैंड पावर भी है, लेकिन एफिशिएंसी कैसे निकालना है, साइड बैंड पावर बाय टोटल पावर, मतलब टोटल पावर में से कितना परसेंट साइड बैंड पावर है वही हमारा एफिशिएंसी होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है पीटी इक्वल्स टू पीसी 1+n² / 2, इसको अगर अलग अलग करें तो क्या होगा, पीटी इक्वल्स टू पीसी प्लस पीसी n² / 2। तो ये पीसी क्या है, ये तो कैरियर पावर है, और ये जो पीसी n² / 2 है ये क्या है, साइड बैंड पावर है, ठीक है। तो अब अगर एफिशिएंसी निकालेंगे तो साइड बैंड पावर डिवाइडेड बाय टोटल पावर, साइड बैंड पावर क्या है, पीसी n² / 2, तो वो लिख दिए, डिवाइडेड बाय टोटल पावर, टोटल पावर क्या था, पीसी प्लस पीसी n² / 2, वो भी लिख दिए इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे पीसी पीसी कट जाएगा, सॉल्व करने पे आएगा m² / 2 इंटू 100। अगर नॉर्मल एफिशिएंसी अगर परसेंटेज नहीं निकाले तो एफिशिएंसी क्या रहेगा, 0 से 1 के बीच में रहेगा, अगर परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। तो एएम के लिए जो एफिशिएंसी है वो क्या है, m² / 2, ठीक है। अब देखते हैं फॉर मैक्सिमम मॉड्यूलेशन इन इंडेक्स इन एएम सिग्नल। एएम सिग्नल में मैक्सिमम इंडेक्स कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो वैल्यू होना चाहिए वो दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1,
मतलब अंडर मॉड्यूलेशन होना चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू जो हम लोग मॉड्यूलेशन का ले सकते हैं वो ले सकते हैं 1। तो 1 के लिए हमारा एफिशिएंसी कितना आएगा, 33.33%। ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमम मॉड्यूलेशन जब करेंगे तो भी हम लोग का जो एफिशिएंसी है वो 33.33% ही आएगा। मतलब कि जो साइड बेंड पावर है, जो एफिशिएंसी है हमारा सिस्टम का, वो सिर्फ 33% है। ठीक है, तो दस एफिशिएंसी ऑफ एएम टेक्निक इज ओनली अबाउट 33.33% विच इज पुअर। तो ये डिमेरिट है, ये डिसएडवांटेज है एएम का। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि ड्रॉबैक ऑफ एएम टेक्निक क्या है, तो ये है वेस्टेज ऑफ ट्रांसमिटेड पावर। अबाउट 67% ऑफ टोटल पावर इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय द कैरियर कैरिंग नो इन्फॉर्मेशन, एंड ओनली अबाउट 33% ऑफ द टोटल पावर इज कैरीड इन साइड बैंड्स कैरिंग द मैसेज सिग्नल। एफिशिएंसी 33.33% मीन्स कि ये जो ये फॉर्मूला था यहाँ से, अगर ये चीज 33.33% आए, उसका मतलब क्या हुआ कि जो साइड बैंड पावर है वो सिर्फ 33% है टोटल पावर के, बाकी कैरियर है। टोटल पावर में हमारा दो ही चीज़ें हैं, एक कैरियर पावर है, एक साइड बैंड पावर है। और एफिशिएंसी निकाले तो हम लोगों को पता चला कि ये जो साइड बैंड पावर है वो सिर्फ 33.33% ही है टोटल पावर के। ठीक है, तो इसका मतलब जो बाकी परसेंटेज है, 67% पावर है, वो क्या है, कैरियर पावर है, जो कि यूजलेस है, क्योंकि कैरियर पावर में हमारा कोई मैसेज तो है नहीं, तो उसका कोई काम है नहीं। काम किसका है, साइड बैंड पावर का। तो इसीलिए, लेकिन हमारा हम लोग का जो पावर, जो कंजम्पशन है, जो ट्रांसमिटेड पावर है पीटी, वो तो 100% है। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 2 वॉट जो है वो साइड बैंड पावर है। ठीक है, जो कि 33.33% है, जिसका कि ज़रूरत है हम लोग को। ठीक है, बाकी जो 5 वॉट है वो क्या है, कैरियर पावर, जिसका कि ज़रूरत नहीं है हम लोग को। तो टोटल पावर तो हम लोग 7 वॉट दे रहे हैं। ठीक है, एएम सिग्नल ट्रांसमिट करने में टोटल 7 वॉट हम लोग दे रहे हैं, लेकिन उस 7 वॉट में से सिर्फ 2 वॉट ही काम का है, बाकी 5 वॉट जो है वो वेस्टेज है। इसीलिए एएम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इसमें पावर वेस्टेज बहुत होता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देखें कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ टोटल ट्रांसमिटेड पावर, ट्रांसमिटेड पावर का अलग अलग फॉर्म हम लोग देख सकते हैं, और इसे न्यूमेरिकल आता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। जो बेसिक जो याद रखने लायक चीज़ है वो सिर्फ यही फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखना है कि टोटल पावर इक्वल्स टू पी सी 1 + m² / 2। अब अगर इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो पी टी इक्वल्स टू क्या होगा, पी सी प्लस पी सी एम स्क्वायर बाय टू, कैरियर पावर और साइड बैंड पावर। तो अगर कभी न्यूमेरिकल में दिया है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स इतना है और कैरियर पावर इतना है, तो साइड बैंड पावर कितना होगा, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, पी सी इंटू एम स्क्वायर बाय टू। अब साइड बैंड पावर ये है, और साइड बैंड हमारे पास कितना है, 2 साइड बैंड है, एक लोअर साइड बैंड, एक अपर साइड बैंड। ठीक है, तो ये दोनों का मिला करके पावर है। अगर हमको कोई बोले कि एलएसबी में कितना पावर है, मतलब लोअर साइड बैंड में कितना पावर है, तो ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड बैंड में एलएसबी और यूएसबी में इक्वल पावर होता है। ठीक है, तो अगर टोटल साइड बैंड पावर ये है, तो हर साइड बैंड में यूएसबी और एलएसबी में क्या रहेगा, इसका हाफ हो जाएगा। इसका मतलब पी सी एम स्क्वायर बाय 4 एलएसबी में है, पी सी एम स्क्वायर बाय 4 यूएसबी में है। ठीक है, तो टोटल कैरियर पावर पी सी ही रहेगा। अगर टोटल साइड बैंड पावर पूछे तो ये होगा, अगर टोटल एलएसबी पूछेगा, लोअर साइड बैंड पावर, तो जो टोटल पीएसबी था उसका हाफ हो जाएगा, यूएसबी पावर भी उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग पी सी की जगह मान लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन में ए सी दिया हुआ है, मतलब कैरियर का एम्पलीट्यूड, तो हम लोग जानते हैं पी सी इक्वल टू क्या होता है, ए सी स्क्वायर बाय 2। तो कैरियर पावर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बाय 2, लोअर साइड बैंड पावर ए सी स्क्वायर एम स्क्वायर बाय 8, और अपर साइड बैंड पावर ए सी स्क्वायर एम स्क्वायर बाय 8। हमेशा ये एल एस बी और यू एस बी जो है वो सेम रहेगा ये पावर। ठीक है, तो ये हो गया पावर के टर्म में, ये हो गया एम्पलीट्यूड के टर्म में। तो मेन चीज़ हम लोगों को क्या याद रखना है, सिर्फ ये वाला इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन याद है तो ये तीनों फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं अपने आप। पहला ब्रैकेट हटाएंगे तो ये पावर के फॉर्म में आ जाएगा, जिसमें कि साइड बैंड पावर कंबाइन है। अगर साइड बैंड पावर को हम लोग को सेपरेट करना है तो बस इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो दोनों साइड बैंड में इक्वल पावर बढ़ जाएगा। अब अगर एम्पलीट्यूड के टर्म में करना है तो पी सी की जगह ए सी स्क्वायर बाय 2 डाल देंगे, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास मल्टीटोन सिग्नल है, मल्टीटोन सिग्नल कैसा होगा, एस टी कॉस टू ए सी 1 + क्या हो जाएगा, एम कॉस 2πfmt था। तो अब मल्टीटोन के केस में क्या होगा, बहुत सारा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अब हमारा जो कैरियर पावर है वो तो सेम रहेगा, जो भी कैरियर है, यहाँ पे ए है, मतलब कैरियर पावर जो है हमारा ए स्क्वायर बाय 2। सिग्नल पावर क्या हो जाएगा, जो भी सिग्नल पावर, अगर इसको ओवरऑल हम लोग एक्स टी समझें, तो सिग्नल पावर एक्स टी स्क्वायर का बार, ये चीज़ हम लोग पहले देख चुके हैं। खैर, ये इसका ज़रूरत नहीं है डिप्लोमा के बेसिस पे, ये कंपटीशन में मल्टीटोन वैसे बहुत कम ही पूछा जाता है, क्योंकि जो कैलकुलेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो फिलहाल इस कोर्स के लिए हमें जो सिंगल टोन है उसके लिए ये सारा पावर इक्वेशंस है। ठीक है,
तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब अगर दिया है कि फॉर अ नंबर ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मॉड्यूलेटिंग अ कैरियर फॉर डिफरेंट, ये क्या कह रहा है कि हमारे पास मान लेते हैं एक कैरियर सिग्नल है और मैसेज सिग्नल जो है वो एक नहीं है, हमारे पास दो तीन सिग्नल है, मैसेज सिग्नल M1T, M2T, M3T, और तीनों ही मैसेज सिग्नल जो है वो सेम कैरियर को मॉड्यूलेट कर रहा है लेकिन डिफरेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्स से। ठीक है, कैसे डिफरेंट, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे मान लेते हैं हमारे पास एक सिग्नल है M1T, क्या होगा वो AM1 cos 2πfMT। ठीक है, और हमारे पास एक कैरियर है AC cos 2πfCT। तो पहला अगर हम इन दोनों को मॉड्यूलेट कर रहे हैं तो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा, AM1 by AC। अब अगर दूसरा मैसेज सिग्नल है M2T, M2T को कैसे लिख सकते हैं, AM2 cos 2πfMT, और वो मॉड्यूलेट कर रहा है सेम कैरियर को मतलब AC, तो इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स अब क्या हो जाएगा, AM2 by AC। ठीक है, तो अगर ऐसा ही कोई सिस्टम है हमारे पास जिसमें कि एक कैरियर है और जिसको कि हम लोग मॉड्यूलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब एक से ज़्यादा मैसेज सिग्नल से विथ डिफरेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा मैसेज सिग्नल है तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी एक से ज़्यादा ही होगा, अगर मॉड्यूल जो भी मैसेज सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है तब। ठीक है, AM जो होता है वो डिफरेंट होगा, तो अगर डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल है तो M1, M2, M3 भी डिफरेंट होगा, जो टोटल MT होगा, जो टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा वो कैसे निकालेंगे, रूट अंडर M1² + M2² + M3² ठीक है, अगर फोर्थ सिग्नल भी होता तो वो +M4², तो ये हो जाएगा टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो इनके इन दैट केस जो टोटल पावर होगा सिस्टम, जो ट्रांसमिटेड पावर होगा वो क्या हो जाएगा, PC1 + MT² / 2। पहले सिंगल टोन के लिए एक मैसेज के लिए हम लोग देखे तो ये क्या था, PC1 + M² / 2, लेकिन अगर एक से ज़्यादा मॉड्यूलेशन इंडेक्स प्रेजेंट है तो उस केस में क्या होगा, जो भी जितना भी इंडिविजुअल मॉड्यूलेशन इंडेक्स प्रेजेंट है उससे हम लोग पहले टोटल इंडेक्स निकालेंगे। टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो जाएगा, MT√M1² + M2² + M3² ये क्या है, स्क्वायर्ड, ये इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, एवरेज कर रहे हैं और ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो टोटल जो होगा वो क्या हो जाएगा, PC1 + MT² कुछ नहीं है, बस सिंगल के टर्म में जब सिंगल मैसेज सिग्नल था तो ये M² / 2 था, जब एक से ज़्यादा मैसेज होगा तो एक से ज़्यादा मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा, जब बहुत सारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है तो उसे टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स इस फॉर्मूला से निकालेंगे और इस फॉर्मूला में M की जगह MT देंगे। ठीक है, अब इसी से जो पावर वाला रिलेशन है उससे हम लोग करंट रिलेशन भी निकाल सकते हैं। हमारे पास ये रिलेशन है PT = PC1 + M² / 2। अगर हमसे कोई बोलता है कि टोटल करंट कितना है AM में, ठीक है, तो टोटल P = क्या होता है, I² R। तो अभी PT क्या हो जाएगा, IT² R। ठीक है, PC क्या हो जाएगा, IC² R, और 1 + M² / 2 तो वैसा ही रहेगा, जहाँ PC है कैरियर पावर तो IC क्या है, कैरियर करंट। ठीक है, और ये IT क्या हो जाएगा, टोटल करंट इन AM वेव। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर अभी हम लोगों को IT निकालना हो तो IT क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है, RR तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर है तो इधर साइड स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट में से IC² है तो IC तो बाहर निकल जाएगा, √1 + M² / 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उससे क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो अगर हमारा जो फॉर्मूला है पावर फॉर्मूला है उससे डायरेक्ट हम लोग करंट रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं AM वेव और कैरियर करंट में। ठीक है, कुछ नहीं है, बस P = I² R है, उसको पुट कर देंगे, PT की जगह IT² R, PC की जगह IC² R। ठीक है, और रूट हटा देंगे, जब रूट हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, इस रूट में से IC² जो है वो तो बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा 1 + M² / 2। तो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, AM वेवफॉर्म इज गिवन बाय VAMT = 2 1 + 0.8 cos 4 × 10⁻³ t (cos 5 × 10⁻⁶t V) फाइंड द कैरियर पावर एंड साइड बैंड पावर। जब भी क्वेश्चन में AM सिग्नल दिया हो तो सबसे पहला हम लोगों को काम रहता है कि वो जिस भी फॉर्म में है उससे इन्फॉर्मेशन निकालना। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है AM का वो क्या होता है, AC, ठीक है, AC ब्रैकेट में 1 + M cos 2πfMT (cos 2πfCT) यही होता था। तो अब देखना है कि किस वेरिएबल की जगह क्या वैल्यू है। हमारा सबसे पहले ये बाहर रहता था AC, तो इसका मतलब AC हमारा है 2, ठीक है, ब्रैकेट 1 + M cos 2πfMT, मतलब यहाँ जो cos के साथ होगा वो M होगा, मतलब ये जो 0.8 है वो M है, M क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। फिर होता था cos 2πfMT, ठीक है, तो यहाँ पे पाई हम लोग कहीं नहीं देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये टोटल जो है वो 2πfMT है, तो क्या हो जाएगा, TT तो उसमें भी है, तो 2π = 4 × 10⁻³,
तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी, अगर मैसेज फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालना चाहें तो वो क्या होगा, 4 × 10³ डिवाइडेड बाई 2π। ठीक है, 2π इसलिए क्योंकि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन रहता है वो होता है cos 2πft। ठीक है, cos 2πfmt, यहाँ पे 2π ऐसे अलग से नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये 2π मल्टीप्लाई करके ही ये इतना आया है। तो फ्रीक्वेंसी कॉस के साथ जो रहता है वो सारा तो एफ नहीं होता है ना, कॉस के साथ 2πf होता है, इसका मतलब ये जो टर्म है वो इक्वल्स टू 2πf है। तो 2πf इक्वल्स टू 4 × 10³, तो एफ क्या हो जाएगा, 4 × 10³ डिवाइडेड बाई 2π। सिमिलर वे में ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कॉस 2πfct होता था, इसका मतलब ये जो टर्म है 5 × 10⁶ इक्वल्स टू क्या होगा, 2πfc के। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 5 × 10⁶ डिवाइडेड बाई 2π। तो सबसे पहला काम हमारा यही रहता है कि क्वेश्चन में जो भी इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके और गिवन में क्या क्या है वो वैल्यू निकालना। अब हम लोग को बोला है कैरियर पावर निकालें, कैरियर पावर क्या होगा, PC इक्वल्स टू AC² / 2। तो हमारा AC यहाँ पे क्या है, 2 है, तो हमारा कैरियर पावर क्या हो जाएगा, 2² / 2, मतलब कि 2 वॉट। तो हमारा कैरियर पावर 2 वॉट हो जाएगा। फिर बोला है साइड बेंड पावर, साइड बेंड पावर हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। साइड बेंड पावर क्या था हमारा, यहाँ से अगर इस फॉर्मूला से देखें, ये वाला जो फॉर्मूला है, टोटल पावर क्या होता है, PC + PCm² / 2, मतलब PC है कैरियर पावर, PCm² / 2 है साइड बेंड पावर। तो इस क्वेश्चन में PC हम लोग निकाल लिए 2 वॉट और m का वैल्यू दिया हुआ है 0.8। तो साइड बेंड पावर क्या हो जाएगा, PC × m² / 2। ठीक है, तो वही हम लोगों ने किया है, AC हमारा 2 वोल्ट है, m 0.8 है, तो कैरियर पावर क्या हो जाएगा, AC² / 2 जो कि है 2 वॉट। अब जब AC PC पता चल गया है, m पता है, तो कैरियर साइड बेंड पावर क्या होता है, PCm² / 2, PC × m² / 2, द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 400 वॉट कैरियर इज मॉड्यूलेटेड बाय 1 kHz टोन टू द डेप्थ ऑफ 75%, फाइंड द टोटल साइड बैंड पावर एंड मॉड्यूलेशन इफिशियंसी। इसमें दिया हुआ है जैसे टोटल साइड बैंड पावर, इसका मतलब हम लोग को USB और LSB अलग अलग नहीं करना है, वो एक साथ टोटल पावर PSB देना है। लेकिन अगर लिखा रहता है कि फाइंड द साइड बैंड पावर ऑफ ईच साइड बैंड, तब हम लोगों को LSB का अलग निकालना होता पावर, USB का अलग। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि अ 400 वॉट कैरियर, मतलब एक कैरियर सिग्नल है जो कि 400 वॉट, वॉट क्या होता है पावर, इसका मतलब जो 400 वॉट दिया हुआ है ये कैरियर का पावर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ हम लोग नोट कर लिए कि PC दिया हुआ है 400, इज मॉड्यूलेटेड बाय अ 1 kHz टोन, कैरियर इज मॉड्यूलेटेड बाय 1 kHz टोन, मतलब कि ये मैसेज सिग्नल है, क्योंकि हम लोग कैरियर को मॉड्यूलेट करते हैं मैसेज सिग्नल से। तो मैसेज सिग्नल 1 kHz, हर्ज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ये जो 1 kHz है वो है FM, इसलिए हम लोग लिखे FM = 1 kHz। टू अ डेप्थ ऑफ 75%, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को कभी कभी हम लोग मॉड्यूलेशन डेप्थ भी कहते हैं। तो अगर डेप्थ 75% है, इसका मतलब जो हमारा m है वो है 0.75%, अगर हटाएंगे तो वो 0.75 में आएगा। ठीक है, अब इतना इन्फॉर्मेशन, ये तीन इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दिया हुआ है। अब बोला है साइड बैंड पावर और मॉड्यूलेशन इफिशियंसी। साइड बैंड पावर क्या होता है, PC × m² / 2, PC दिया हुआ है, m का वैल्यू दिया हुआ है, आराम से निकल जाएगा पी साइड बैंड, PC × m² / 2। और फिर बोला है मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी, तो मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, हम लोगों ने AM में देखा m² / m² + 2 × 100, यही था, तो m की जगह 0.75 डालेंगे तो एफिशिएंसी आ गया 21.95। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें कि कैरियर हम लोग ले रहे हैं 400 वॉट का और उसको मॉड्यूलेट कर रहे हैं 1 kHz से, और अगर m हम लोग 75% ले रहे हैं, जो मॉड्यूलेशन डेप्थ है वो 75% ले रहे हैं, तो हमारा जो एफिशिएंसी होगा सिस्टम का वो कितना होगा, 21.95। और हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होगा AM सिस्टम में वो कितना होगा, 33.33, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये एफिशिएंसी निकालना और पावर, ये सारा एग्जाम में आता है प्रूव करने के लिए भी कि हाँ, जो साइड बैंड पावर, प्रूव दैट साइड बैंड पावर इज इतना, कैरियर पावर इज इतना, या फिर PT = PC1 + m² / 2, बहुत बढ़ाया हुआ है एग्जाम में डिराइव करने। तो आई होप डिराइव करना आप लोगों को आ गया हो। डिराइव करने के लिए सिर्फ AM का एक्सप्रेशन लिखना है, उसके बाद अलग अलग सबका साइड बैंड पावर और कैरियर पावर निकाल देना है। साइड बैंड के लिए MT = AM cos 2πfmt लिखेंगे, उसके बाद हम लोग जानते हैं साइन या कॉस किसी भी सिग्नल का जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो कैरियर पावर क्या हो जाएगा, AC² / 2, और इधर मैसेज जो साइड बैंड पावर है वो भी उसी तरह निकाल सकते हैं। तो जो भी डेरिवेशन है उसका प्रैक्टिस कर लेना है, और आगे हम लोग एक बार जब थ्योरी खत्म कर लेंगे तो इसके न्यूमेरिकल्स पर और हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।